राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है जीप कंपास। वेरिएंट की बात करें तो लॉन्ग एटीट्यूड वाला वेरिएंट है, डीजल के अंदर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। इस कार के अंदर आपको ऐसी दो रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है, जिसके अंदर एक तरफ आपको जीप लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ से फिजिकल की निकाल के उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है बटन और सेम आपको यहाँ पर दूसरी की देखने के लिए मिल जाती है। तो लॉक पर साउंड ऐसा आएगा और अनलॉक पर इसकी डायरेक्ट DRL चालू हो जाती है। कार के अंदर आपको 7 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज जो मेरे साथ है ये वाइट कलर है। सेंटर में यहाँ पे आपको जीप लिखा हुआ मिल जाएगा क्रोम के अंदर। ग्रिल देख सकते हैं, कुछ ऐसे देखने की मिलेगी। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ पे टोइंग हुक के लिए मिलता है। इधर देखें तो यहाँ पे आपको LED फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर साइड में बात करें तो यहाँ पे पूरा LED सेटअप मिल जाएगा आपको हाई और लो बीम के लिए वाइट लाइट के साथ में। इस साइड देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर लाइट मिलती है, वो आपको हैलोजन बेस मिलता है। कार का फ्रंट से ओवरऑल लुक कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इधर चलते हैं अपन और यहाँ पे आपको वॉशर के लिए देखने के लिए मिलता है, ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। इस साइड से कार की कुछ ऐसी प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। विंडोज़ एरिया देख सकते हैं आपको काफ़ी ह्यूज मिल जाते हैं। यहाँ आपको कंपास लिखा हुआ मिल जाएगा क्रोम के अंदर। साइड क्लैडिंग देख सकते हैं, जो मैट फिनिश मिलती है, जो ओल्ड गाड़ी की 360 घूम रही है। पीछे के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट के अंदर भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 225/60R17 17 इंच का आपको अलॉय देखने मिलेंगे इस टाइप के। ओवरऑल मिरर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर लाइट यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। कार को मैं एक बार लॉक कर देता हूँ और चाबी जो है ये मैं जेब में डाल देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कीलेस एंट्री कैसे इसकी यूज़ होती है। जैसे मैं इसके अंदर खाली हाथ रखूँगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और यहाँ पे कीलेस एंट्री का बटन दे रखा है। अगर बैटरी लो है रिमोट की तो यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको रूफ रेल देखने मिलती है, ऊपरी साइड में शार्प एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको लेदर का यूज़ करा गया, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक और यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको लेदर मिल जाएगा। विंडो से कंट्रोल की बात करें तो वन टच डाउन आपको ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए मिल जाता है। पीछे वाले विंडोज़ नॉर्मल मिलते हैं, लॉक के लिए मिल जाता है पीछे वाले विंडो को और ये कार लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए दे रखा है और इलेक्ट्रिक फोल्ड के लिए दे रखा है। यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है आपको। सीट की बात करें तो फ्रंट वाली आपको मिल जाती है इसके अंदर 10-way एडजस्ट, को पैसेंजर वाली मिल जाती है 8-way एडजस्ट। ये सीटें जो हैं ये आपको सेमी लेदर मिलेगी, क्योंकि बाकी तो लेदर मिलती है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है। सीट को करते हैं पूरा पीछे। तो कार के केबिन के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। ओवरऑल केबिन कुछ ऐसा देखने मिलता है, ड्यूल टोन मिल जाता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। यहाँ पे भी लेदर का यूज़ करा गया, सॉफ्ट लेदर का यहाँ पे यूज़ करा गया। यहाँ पे इसके अंदर पियानो के अंदर आपको सिल्वर फिश देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको सॉफ्ट टच में ये भी खुलता है, जिसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा में लाइट मिल जाती है और काफ़ी डीप मिल जाता है मैनुअल डायरी के साथ में और फर्स्ट एड किट के साथ में। इसको करते हैं बंद। इस साइड बात करें तो यहाँ AC वेंट के लिए देखने मिलता है, जिसके यहाँ पे बंद चालू करने के लिए आपको रबड़ ग्रिप देखिए, काफ़ी प्रीमियम मटेरियल यूज़ करा हुआ है इसके अंदर। उधर आपको AC वेंट उधर देखने मिलता है और एक आपको यहाँ देखने मिलता है, जिसको बंद चालू करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट के लेवल सेट करने के लिए मिल जाता है। ऑटो पे करनी है या फिर आपको लाइट चालू करनी है, DRL यूज़ करनी है उसके लिए और लाइट को लेवल सेट करने के लिए यानी अप एंड डाउन के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड में बात करें तो एक प्रॉपर डेड पेडल है और आपको ब्रेक और एक्सीलेटर के देखने के लिए मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। इधर आपको यहाँ पे लीवर दे रखा है, जिसको आप ऐसे करके रोक सकते हैं जब स्टेयरिंग आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। इधर लाइट के लिए कंट्रोल दे रखा है इंडिकेटर के साथ में, हाई और लो बीम के लिए। इधर फ्रंट और रियर के वाइपर कंट्रोल दे रखे हैं। इसके क्लस्टर की बात करें जो आपको सेमी डिजिटल मिलता है, एनालॉग प्लस डिजिटल, उसे कंट्रोल आपको यहाँ दे रखें। क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ दे रखें। अगर एक सर्टन स्पीड पर आप सेट कर देंगे तो उसके लिए यहाँ पर बटन है, जैसे मैं इसे कर दूंगा तो एक लिमिट पर सेट हो जाएगा। और क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए यहाँ पर दे रखा है और कैंसिल करने के लिए यहाँ बटन दे रखा है। जीप का यहाँ लोगो मिलता है, एयरबैग यहाँ देखने को मिल जाता है हॉर्न के साथ में। यहाँ पे इसके अंदर सिल्वर फिनिश। इधर आए तो यहाँ पे क्लस्टर के सारे कंट्रोल, फोन उठाने और काटने के लिए बटन दे रखा है। अब एनालॉग तो आपको RPM और इसकी स्पीड के लिए देखने मिलता है और यहाँ पे आपको डिजिटल मिल जाएगा फ्यूल लेवल और टेम्परेचर लेवल। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे इसके अंदर एक्यूरेट आपको गाइड करेगा, जैसे प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इसके अंदर आप चेंज कर रखेंगे ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अपर सेंटर के लिए, अपर राइट के लिए, डिफॉल्ट के लिए, ये सारे फंक्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। उस तरफ एक और करेंगे इसके अंदर, जैसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे। इसके अंदर वापस बैक जाना है तो यही बटन काम आएगा आपको इस साइड जाने के लिए। फिर इसके अंदर नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ व्हीकल सेटिंग के लिए आएंगे, वही ओके दबा के करना है। फिर यहाँ डिजिटल स्पीड देख सकते हैं, एग्जैक्ट किलोमीटर, टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है व्हीकल इन्फॉर्मेशन के साथ में। फ्यूल इकोनॉमिक देखने मिल जाएगी आपको, एवरेज आपको क्या एवरेज निकाल रहे हैं, करंट पे होल्ड करके रखेंगे तो वही रीसेट करने के लिए काम आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन की बात करें क्या क्या प्रोवाइड करता है क्लस्टर, लो फ्यूल इसके अंदर देखने मिलेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने के लिए मिलेगा, सीट बेल्ट वार्निंग देखने मिलेगा। इनकेस कोई डिफॉल्ट आता है कार के अंदर या फिर कोई वार्निंग आती
होती है, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे अभी ये सिंबल बने, कार स्टार्ट नहीं है इसलिए आपको सिंबल बने, जैसे कार स्टार्ट हो जाएगी तो सिंबल भी हट जाएंगे। यहाँ पे सेंटर में आपको डिजिटल टाइम देखने के लिए मिल जाता है टेम्परेचर के साथ में। इस साइड आए तो यहाँ पे 10.1 इंच का आपको यहाँ टच स्क्रीन प्रोवाइड कराएगा, जिसके अंदर सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको टच में ही इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अंदर आपको इनफैक्ट एसी चालू करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, उसके लिए मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है। वैसे तो ये दिखा देता हूँ फटाफट, जैसे ऑन करना उसके लिए मिल जाता है, जैसे मैंने ऑन करने के लिए मिल जाता है, इसको ऑफ करने के लिए मिल जाता है, पैर पर हवा चाहिए उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम पर जा सकते हैं, होम पर जा सकते हैं, साथ ही साथ इसी की सेटिंग के अंदर आप जाके यहाँ पर पैसेंजर वाला एयरबैग है वो भी ऑफ कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे और इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, एफएम रेडियो, सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करी गई है। डायरेक्ट आप इसका कैमरा भी चेक कर सकते हैं पीछे वाला कुछ इस टाइप से चालू करके, और इसमें जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए यहाँ बटन प्रोवाइड कराया गया है, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए करा है, जैसे मैं दिखा देता हूँ ये ऐसे करके, जैसे यहाँ रेड लाइट आएगी और यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड भी करा जाएगा स्क्रीन के अंदर कि आपने ट्रैक्शन ऑफ कर दिया। फ्रंट के पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, मैं बताना भूल गया था जल्दबाजी में, आपको फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर भी प्रोवाइड कराए गए। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, एसी हीटर का दोनों काम करने वाला है, मैक्स आपको इसके अंदर हीट के लिए मिल जाता है, रियर और फ्रंट के डिफॉगर के लिए मिल जाता है, सर्कुलेशन ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ बटन दे रखा है, जिस पर आपको हीट के लिए चाहिए उसके लिए रेड और कूल के लिए चाहिए उसके लिए तो ग्रीन तो ब्लू सॉरी तो इस टाइप की आपको लाइट दे रखी है। अगर डायरेक्ट आपको स्क्रीन ऑफ करने के लिए कुछ इस टाइप से, तो उसके लिए बटन दे रखा है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए बटन दे रखा है। ट्यून चेंज करेंगे, जैसे आपको इसके अंदर म्यूजिक चलाना है या आपके को यूएसबी लगा के फाइल ओपन करनी है उसके लिए ट्यून और एंटर के लिए यहाँ पे दे रखा है। म्यूट के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है एक्स्ट्रा में। यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है एक टाइप सी, एक टाइप ए के साथ जाता है यहाँ पे, और नीचे की साइड में यहाँ पे फोन रखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन देखने मिल जाता है, जिसके अंदर रिवर्स, आपको पार्किंग, न्यूट्रल और ड्राइव मिल जाता है। और इनकेस इसको ड्राइव करना है तो अगर आपको कमांडिंग अपने हाथ में चाहिए मैनुअल ड्राइव करने के लिए, तो उसको इधर स्लाइड करना है तो आप आराम से इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे ऑटो होल्ड के लिए मिल जाता है। इसके अंदर इस साइड आएंगे तो यहाँ दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर नीचे की साइड में आपको स्पेस मिल जाता है, आर्मरेस्ट पे भी आपको लेदर का यूज़ करा गया जो स्लाइडेबल मिल जाता है। सीटें हैं कुछ इस टाइप की देखने मिल जाती है लेदर के साथ में। कुशनिंग की बात करें तो अच्छी खासी कुशनिंग, हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर। रूफ की बात तो पूरी आपको इसके अंदर ब्लैक देखने की मिलती है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है इसके अंदर येलो लाइट के साथ में कुछ इस टाइप से। यहाँ माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है, फिट एंड फिनिश देख सकते हैं कार के अंदर प्रॉपर बहुत ही प्यारी यूज करी गई है। इधर बात करें यहाँ पे आपको वेंट मिरर मिल जाता है जो लाइट के साथ मिलता है, और इधर भी आपको वेंट मिरर मिल जाता है वो भी आपको लाइट के साथ मिलता है। मैनुअल एडजस्टेबल आपको ओआरवी मिल जाता है जिसको आप कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो सेंसर है इस टाइप के ये आपको सेंसर मिलते हैं जो आपकी जैसे आप इसको नीचे करेंगे और आपको अप करेंगे तो वो लाइट चालू करने के लिए सेंसर काम आता है। इस कार के अंदर सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोवाइड करे गए हैं आपको दो एयरबैग, और स्पीड वार्निंग देखने मिल जाता है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करती है। इसके अंदर ABS मिलता है, ABD मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए मिल जाता है। तो इस टाइप के आपको सेफ्टी वाइज फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। फ्रंट सीट को पूरा पीछे ही रखते हैं जिससे आइडिया हो जाएगा कि पीछे वाली सीट पे कितना क्या स्पेस मिलता है। और एक चीज़ उधर भी आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही साथ उधर भी आपको लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है, वन टच डाउन के लिए उधर भी देखने के मिल जाता है। अब चलते हैं बाहर की साइड में, और एक चीज़ और जैसे ही आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे विंडोज़ के अंदर जीप का वहाँ पे आपको लोगो बना हुआ आएगा, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है जो आपको मिरर के अंदर है, बट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के यहाँ पे भी देखने के लिए प्रोवाइड कराया गया। अब चलते हैं मिडल में, और एक चीज़ और जो आपकी साइड मिरर है उसके अंदर यहाँ पे पानी नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं एक आपको एक ग्रिप चढ़ाई हुई जिसपे क्या जल्दी से पानी आपका ठहरने का चांस है ही नहीं, और इसके अंदर भी आपको जीप लिखा हुआ मिल जाता है। तो मिडल वाली रो के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, देख सकते हैं नीरू मुझे फिर भी अच्छा खासा मिल जाता है, मेरी हाइट 5'11" उस हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखा है। तो पूरी पीछे है सीट, यहाँ पे आपको दो मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं सीट के अंदर, यहाँ AC वेंट मिल जाता है, और यहाँ मिल जाता है आपको टाइप ए के साथ USB, और नीचे के साइड मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जर एडिशनल आपको लगाने के लिए। कुछ इस टाइप से उसकी प्लेसमेंट है, यहाँ AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाते हैं। पीछे के साइड में तीनों हेडरेस्ट जो है ये भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है आर्मरेस्ट दो आपको कप होल्डर के साथ में, इसको कर सकते हैं वापस पैक। तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट भी प्रोवाइड कराई गई है, छोटा सा हम्प मिलता है, बाकी एस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम भी इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाती है एक आपको लाइट हेलोजन बेस, और इधर भी आपको लाइट मिल जाती है हेलोजन बेस के साथ में, ग्रैब हैंडल के साथ में। तो ऐसा कुछ रियर के अंदर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं कार के बूट की तरफ में, और यहाँ विंडो से कंट्रोल, स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे लेदर का यूज़ करा गया है, और यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाता है सीट बेल्ट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, क्या हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इधर मिलता है आपको 60 लीटर का डीजल का टैंक,
पीछे की साइड चलें तो यहाँ पे आपको क्रोम का यूज करा गया है जो वहां से विंडोज की तरफ से आता है, पीछे की साइड में आपको यहाँ तक जाता है। कार के अंदर यहाँ रियर के अंदर आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइट प्रोवाइड करी गई है, यहाँ लॉन्ग एटीट्यूड का आपको यहाँ बैच देखने के लिए मिल जाता है। रियर टेल लाइट की बात करें तो ये LED मिल जाती है, इंडिकेटर लाइट है जो हेलोजन बेस मिलती है। ओवरऑल कार का पीछे से ऐसा कुछ लुक, यहाँ जीप लिखा हुआ मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको साफ बना हुआ आएगा, यहाँ पे आपको इसके अंदर वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप और यहाँ पे शार्पिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे बूट को ओपन करते हैं अपन, तो यहाँ पे इसके अंदर नंबर प्लेट के लिए लाइट जो है ये भी LED प्रोवाइड कराई गई है। 448 लीटर का यहाँ बूट स्पेस प्रोवाइड कराया गया है आपको। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको नीचे की साइड मिलता है, जिसको ऐसे प्रेस करना है और ऐसे अप करना है। तो यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है, ये एक साइज छोटा मिलता है और इसकी स्पीड जो है ये 120 किलोमीटर की मिलती है। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215/65/R16 16 इंच का आपको स्टील रिम प्रोवाइड कराया गया। 60/40 का यहाँ पे स्प्लिट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको पानी मिल जाते हैं, यहाँ पे एक आपको लाइट मिल जाती है हेलोजन बेस और यहाँ पे आप एक 12 वोल्ट का चार्जर भी लगवा सकते हैं बाद में। पार्शल ट्रे मिल जाती है आपको, यहाँ पे पूरा पैक मिल जाता है, इसको ऐसे पकड़ के आप बंद भी कर सकते हैं। तो कार का ओवरऑल ऐसे कुछ लुक मिल जाता है। इसकी वारंटी पीरियड की बात करें तो जीप से कंपास की वारंटी मिलती है 3 साल की, 1,00,000 किलोमीटर की। अब तो इसको आप 2 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप 1,50,000 किलोमीटर भी करवा सकते हैं वारंटी के कुछ चार्जेस देकर। अब करते हैं इसका हुड ओपन और इंजन की बात करते हैं। तो कार का हुड ओपन होने बात देख सकते हैं, इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है, ये BS6 फेस्ड वाला इंजन है, साथ ही साथ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाता है, डीजल इंजन के अंदर होना भी जरूरी है और काफ़ी साइलेंट मिल जाएगा इसके कारण। साइड में यहाँ एक्स्ट्रा में आपको रबड़ प्रोवाइड करेगी, जिससे आपके जो हुड है उस पर वाइब्रेशन महसूस नहीं होंगे। ये टर्बो चार्ज मिल जाता है। इसकी 0 to 100 की बात करें तो ये 11.92 सेकंड के अंदर पकड़ लेती है स्पीड। अब इंजन की बात करें तो ये 2 लीटर का मल्टी जेट सेकेंड जनरेशन वाला आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है 4 सिलेंडर के साथ में, जो पावर प्रोड्यूस करता है 172 BHP। टॉर्क की बात करें तो 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन साथ में जाता है 9 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, जिस पर आप ऑटोमेटिक भी चलाना तो वो भी चला सकते हैं, मैनुअल पर भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इस कार का ARI ने एवरेज क्लेम करा है 16.2 किलोमीटर का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर 16.2 किलोमीटर का आपको एवरेज प्रोवाइड करेंगे। हाईवे पे आप चलाएंगे तो मेरे हिसाब से आप 18 भी निकाल सकते हैं और सिटी के अंदर वही आपको 12 से 13 का एवरेज मिल जाएगा। हुडो करते हैं बंद और गाड़ी की फिर एक्सशोरूम प्राइस की बात करते हैं। तो जीप कंपास लॉन्ग एटीट्यूड 2.0 डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एक्सशोरूम प्राइस मिलती है 23,99,000 एक्सशोरूम जयपुर के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।